नमस्कार दोस्तों, राम कैलाश है दोस्तों, प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा भैंस कचड़ी पणिया अगर गर्भवती हैं तो। दोस्तों एक हम आपको ऐसा जबरदस्त तरीका दिखाने वाला हूं, पहचान दिखाने वाला हूं, जिससे बहुत कम ही किसान लोग जानते हैं कि पहचान क्या है। ये लगभग दोस्तों महीने के बाद से जो है आपको दिखाई देने लगता है, तो आप बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि ये गर्भवती है या नहीं। ये बहुत जबरदस्त पहचान है। ये जो है किसान ने हमें वीडियो भेजा है, किसान का नाम है हर्षद पाटिल और इनका दोस्तों घर पड़ता है अमरावती, महाराष्ट्र से हैं। ये भैंस जो है तीसरे व्यात की है, ये किसान सवाल पार्ट 19 है। और दोस्तों अगर आप लोग अधिक जानकारी चाहते हैं कि आपकी भैंस पणिया कटड़ी या गाय गर्भवती हैं या नहीं हैं, तो उस पर भी दोस्तों हमने वीडियो बनाया है, जिसमें हमने दोस्तों 13 तरीका बताया है आप लोगों को कि किस तरह से चेक कर सकते हैं। उस वीडियो को दोस्तों हम लास्ट में लगा दूंगा। और उसमें दोस्तों एक वीडियो और हम आपको दिखाना चाहूँगा कि गर्भवती ना होने के, आपकी पशु बार बार रिपीट होती है गर्भवती नहीं होती, उसके ना गर्भवती होने के 15 कारण बताया गया है, जिससे आप बहुत आसानी से उसका पता कर सकते हैं। वो भी वीडियो हम लास्ट में लगा देंगे। अगर हम दोस्तों बात करते हैं उस फार्मूले की, जो हम फार्मूला आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, भैंस की पहचान दिखाने वाला हूँ कि गर्भवती होने पर इस तरह का भी पहचान आता है। ये दोस्तों महीने के बाद से जो है दिखाई देने लगता है, तो पहचान क्या है आप बहुत ही ध्यान से देखिए। आप देख पाएंगे दोस्तों इसे पेशाब के रास्ते में चूने जैसा, जिसे गांव में भाषा में बोला जाता है, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो बताते हैं कि चुना जाता है, यानी चूने जैसा पेशाब के रास्ते, यानी पेशाब करने के बाद जहां देखते हैं आप देख पाएंगे यहां पर चूने जैसे दिख रहा है। तो ये क्या है कि अगर गर्भवती होती हैं तो यहां पर चूने जैसा दिखाई देने लगता है, तो इससे भी हम एक अनुमान लगा पाते हैं कि हमारी भैंस पणिया कटड़ी गर्भधारण कर लिया है। ये पहचान बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही बढ़िया है। हम दोस्तों 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 99% एक अनुमान लगाया जाता है कि अगर इस तरह से चूना जैसे लग जाता है तो ये जो है हमारी भैंस पणिया कटड़ी गर्भधारण कर लिया है। अधिक जानकारी लिए दोस्तों आप लास्ट का वीडियो जरूर देखें। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए।